आघात भी जैसे मैं कहा कि सीधे ही नहीं करते हैं ये, बल्कि ये भ्रम फैला के घुमा करके अच्छा, करते हैं। अभी ये आसाराम बापू का प्रकरण ले रहे हैं, इसमें 9 साल से इनका प्रकरण चल रहा है पॉस्को एक्ट के तहत, ये परिभाषा बड़ा अजीब लगती है। देखिए क्या है कि ये इनका ये नहीं है कि ये जो संतों की बात कर रहे हैं कि ये संत अपराधी, मैं तो अभी अभी आपसे कहा ना कि इनको छवि धूमिल करने का प्रयास है, अनास्था पैदा करने की बात है, यहाँ से दूरी पैदा करने के लिए, ये सब उसी षड्यंत्र के अंग हैं। वो अपराधी नहीं है, इस तरह से आरोपित अपराध उन पर डाला जाता है और इसके लिए पूरी योजना बनती है और योजना बना करके और खास करके जो जितना महत्व का संत है, जितना अधिक भक्त जुड़े हुए हैं, जितनी शोहरत है, उनको अधिक ये टारगेट करते हैं, उन्हीं पर ये चाहते हैं कि इन पर यदि लोगों की अनास्था हो जाएगी तो सनातन धर्म पर अनास्था होगी धीरे धीरे, तो इसीलिए ये करते हैं। तो ये पूरी तरह इनका ये प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ, जैसे मैं कहा कि सनातन धर्म के जो मान बिंदु है उनको ये ध्वस्त करना चाहते हैं, तो वो ये षड्यंत्र का ये अंग है, ये योजना है कि वो अपराधी ना हो। लेकिन अपराधी के रूप में ये एक बार होता क्या है कि जब केस मुकदमे आपके चैनलों पर चलने लगता है कि फलाने बाबा फलाने संत, तो वो व्यक्तिगत संत की कितनी हानि हो ये छोड़ दीजिए, सनातन धर्म की तो हानि होती ही है ना। और ये इनको लगता है कि भले वो छूट जा रहे हैं, अपराधी नहीं है, लेकिन केवल आरोप लगा करके, झूठे निराधार कोई आधार नहीं है उस पर भी लगा करके, यदि मैं उनको चैनलों में अखबारों में पत्र पत्रिकाओं में करते हैं तो कहीं ना कहीं से सनातन धर्म की हानि तो उनको लगता है कि मैं, और निश्चित रूप से अपने मिशन में सफल रह रहे हैं।